यह है सिंगल वाईफाई स्मार्ट कैमरा। इसमें इतने सारे फ्यूचर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उतने पैसे कम पैसे में अच्छा फ्यूचर। ये आपको हम अनबॉक्सिंग करके इंस्टॉलिंग करके सब दिखाते हैं कैसे इंस्टॉलिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं और निकाल कर आप कैसे ये लुक देख लीजिए। इसमें आप जो चिप होता है ना मेमोरी कार्ड बोलते हैं जिसको, ये इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। ये 128 GB तक सपोर्ट कर सकता है। ये 180 GB तक घूम जाएगा। और ये इसका मेनू हो गया, कैसे इंस्टॉलिंग करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करना है, सब ऐसे हम करके बताएंगे, एक एक चीज़ वीडियो में दिखा कर बताएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका चार्जर, और ये क्या हो गया, ये इसमें बताता है फिक्स करने के लिए फिक्सर। ये है उसका स्टैंड जो कि दीवार वगैरह पे फिक्स करने के लिए आता है। और आपको दिखाते हैं, ये स्टैंड हम रख देते हैं, ये चार्जर हम लगा देते हैं इसको। और चार्जर यहाँ एडेप्टर, ये यहाँ पे हम चार्जर प्लगिंग कर देते हैं। चार्जर प्लगिंग कर दिए हम आपको, ये स्टार्ट कुछ समय लगेगा तो रेडी बोलेगा। और वाईफाई जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है, बस थोड़ा समय दीजिए। इसके देखिए, इसके पीछे एक रीस्टार्ट बटन होता है। अगर पासवर्ड कहीं लगा कर आप भूल जाते हैं, पासवर्ड नहीं खोल पाते, तो इसको इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, ये पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। ये देखिए हम आपको दिखा रही, ये जो बटन है ना, ये लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो मतलब रिसेट हो जाता है। देखिए कैमरा रेडी हो रहा है, ये रेडी फर्स्ट टाइम जब लाइट इसके अंदर आएगा। देखिए पासवर्ड रिसेट करके दिखाते हैं आपको, पासवर्ड रिसेट हो गया। क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम इसको पावर देते हैं, ये पूरे 90 डिग्री घूमकर फिर अपने स्थाई पे आ जाता है। जैसे ये घूम रहा है अभी, आप देख सकते हैं, ये पूरे अपने स्थाई घूमकर फिर वहीं आकर रुक जाएगा जहाँ पे आप सेट किए होंगे। तो हम इसको पहले ये हो गया। अब हम आपको ये वाईफाई स्मार्ट कैमरा, इसी को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में सर्च करना है। अपने प्ले फ़ोन के प्ले स्टोर में वाईफाई स्मार्ट कैमरा हम सर्च करते हैं। हम सर्च किए और ये सर्च करते ही आपको ये ऐप ऐसा ओपन होगा V30। इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कर बस डिस्कनेक्ट डिसमिस करते हैं, कंफर्म करते हैं, अलाउ करते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ वर्जन आ गया 1.4। ट्राई अगेन करते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ कंटिन्यू करना है। गलती कर दी सर, कंटिन्यू आप ईमेल आईडी बनाते रहिएगा, ये कंटिन्यू करिए और ऐड डिवाइस जाइए, ऐड डिवाइस में अलाउ कीजिए, सब अलाउ कर दीजिए। और ये यहाँ स्कैनर खुलेगा, या इसके यहाँ पे ये स्कैन नहीं करना है, यहाँ पे एक QR कोड दिया होगा, इसको स्कैन करना है। अगर देखिए ये अगर आपका स्कैन नहीं करता है तो ये नंबर जो दिखा रहा है 597476 करके, आप इसको भी चाहें तो QR नंबर पे डाल देंगे तो वो ले लेगा। देखिए जिससे मेरा नहीं ले रहा है, हम QR नंबर डाल कर दिखाएंगे आपको। ये आप ज़रूरी नहीं है कि QR कोड ले गया, देखिए ले ले रहा है, मगर हम आपको डाल कर दिखाते हैं। या प्ले स्टोर, अब QR नंबर देखिए नहीं ले रहा है, QR नंबर हम डाल कर दिखाते हैं। यहाँ पे जो नंबर था 59 करके कुछ नंबर था, वो हम आपको डाल कर दिखा रहे हैं। ये आपको एडमिन क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और जो नंबर था उसको हम डाल देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब तक डाल रहे हैं बता रहे हैं आपको, ये अपने मोबाइल का ये एक हॉटस्पॉट देता है, हॉटस्पॉट देगा। आप अपने फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम बता के, सबसे पहले यही करना पड़ेगा। ये ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, ईमेल आईडी वगैरह बनाकर अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, वाईफाई कनेक्ट करके ही ये काम करेगा। देखिए मेरा वाईफाई वहाँ कनेक्टेड दिखा रहा है, वाईफाई वो वाईफाई कैमरा का वाईफाई कनेक्ट करके ही, ये 10 मीटर के रेंज में आप देख सकते हैं। ये नेट वाला विदाउट नेट कहीं देख सकते हैं। तो आप ईमेल आईडी अपना और एडमिन पासवर्ड बनाकर लाइव कर दीजिए और आप देखिए 90 डिग्री घुमा कर यहाँ से रोटेट कर भी सकते हैं। देखिए हम जैसे रोटेट कर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ स्पीकर है, रिप्लाई है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, बहुत सारा ऐप है जो कि आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारा फीचर है। चलिए ठीक है, चेक है। That was just too fast.
Thank you.